गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अरुल। गुड मॉर्निंग मम्मा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अभी 5:15 को उठा। अभी जल्दी जल्दी सब कुछ करूँगा, उस बाद मुझे 6 बजे से पहले स्कूल पहुँचना है। उधर 6 बजे फिर रिपोर्टिंग टाइम और फिर ट्रिप स्टार्ट। अरुल रात भर सोया नहीं है, नींद नहीं आ रही थी। अरुल इतना खुश था कि अरुल को ट्रिप पे जाना है। क्यों? चलो पापा भाप ले ले तो कितने में तो अच्छा रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, आज है अरुल का ट्रिप और अरुल जाना है ट्रिप पे। अरुल को तो आज अरुल मॉर्निंग ही उठ गया है, मतलब आज बिना बोले ही वो बहुत ही आराम से उठा है और यहाँ पर ये ले रहा है भाप। क्योंकि क्या है ना कि मतलब अरुल की तबीयत भी ठीक नहीं है और अरुल को जो जहाँ जाना है ना, जहाँ पे स्कूल वाले ट्रिप ले जा रहे हैं वहाँ पे ना ये है वाटर पार्क है। अभी मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि एक जाएगा तो कहीं वाटर पार्क में गया अगर पानी वगैरह में तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ ना जाए। बट इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना ये जाने के लिए कि मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रही मैं इसको कि हाँ जाओ या नहीं जाओ। तो यहाँ पर वो हो गया है, इसने ले लिया है स्टीम और अब ये रेडी होने के लिए जा रहा है। और मैं भगवान के यहाँ पे फूल वगैरह जो थे रात के चढ़े हुए वो मैंने हटा दिए हैं। आयु को मैंने चढ़ाया है ऊपर जूस लेने के लिए। मैंने सोचा कि मैं टेबल लगा के चढ़ूंगी, उससे अच्छा है अरुल को ही चढ़ा देती हूँ, तो इसने उतार के दे दिया है। और अभी मैं जूस वगैरह अरुल को पहले दे देती हूँ क्योंकि अरुल जो है वो जल्दी निकलेगा और अब 6 बजे ही अरुल को मतलब 6 बजे तक स्कूल पहुँचना है। तो इस वजह से आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी अरुल मॉर्निंग में उठा है और जाने के लिए मतलब। तो वही मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि मतलब ऐसे स्कूल में जब स्कूल जाना होता है ना तो मुझे कितना परेशान करता है। आप मेरे वीडियो में हमेशा देखते होंगे कि कितना परेशान करता है ये मुझे, लेकिन आज बिना परेशान किए क्योंकि इतना ज़्यादा खुश है ना कि बिना परेशान किए आराम से जो भी मैं दे रही हूँ वो खा रहा है और जूस वगैरह पी रहा है। तो आयु आज ट्रिप पे जाना है तो आज सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे हो, जल्दी से कर लो। देखो खांसी हो रही है, स्विमिंग पूल में पानी में ज्यादा मत जाना, ठीक है? वाटर पार्क में पानी में नहीं जाना ज्यादा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। रूम में बैठूंगा। रूम में नहीं बैठना, वहीं पे पास में ही बैठना, लेकिन तुमको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है इसलिए ज्यादा। तो वही चीज़ मैं अरुल को बोल रही थी कि ऐसे तो तुम बड़े परेशान करते हो मुझे और अभी तो बहुत आराम से किए जा रहे हो। मतलब तो बच्चों को पता नहीं क्यों ट्रिप पे लगता है कि दोस्त मेरे फ्रेंड रहेंगे और मतलब बाहर जाना है फैमिली से दूर, तो पढ़ाई वढ़ाई के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा और ट्रिप पे मस्ती करनी है और वो भी वाटर पार्क। बच्चों को वाटर पार्क तो जो होता है वो बच्चों के लिए सबसे बड़ा मतलब वीक पॉइंट होता है, अरुल से ज़्यादा सैमू के लिए है वीक पॉइंट। मतलब पानी मतलब बाहर में बाहर कहीं जाना मतलब पानी मिलना चाहिए, स्विमिंग पूल हो या कुछ भी हो या समंदर हो, मतलब बहुत उसको पसंद है। तो खैर मैंने यहाँ पानी वगैरह दोनों के भर दिए क्योंकि शैमू को भी स्कूल जाना है और अरुल को जाना है ट्रिप पे। तो अरुल को ज़्यादा कुछ मुझे देना नहीं है, सिर्फ उसे वाटर बॉटल मतलब पानी भर के देना है इसमें और साथ में उसको थोड़े से स्नैक्स वगैरह दे देने हैं जिससे कि वो रास्ते में ज़रूरत पड़े तो खा सके। बाकी सारे स्कूल वाले ही प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं चाय दे देती हूँ सिन्हा जी को और अभी सुबह ना मतलब एकदम से हल्का हल्का सा उजाला हुआ है बाहर में, अभी अंधेरा ही है, ज़्यादा उजाला भी नहीं हुआ है। और मैंने अरुल को पूछा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूँ क्या? तो बोला हाँ, तो मैंने गर्म पानी उसके वाटर में डाल दिया थोड़ा सा। मास्क बैग में है, चेयर में आगे में होगा। तुमको कैसा लग रहा है तुम्हारा स्कूल? तो क्या लग रहा है? बहुत खाली खाली अभी, बट मेरे अभी 8 बजे मेरी बस आएगी, अभी टाइम है 2 घंटे। यहाँ पर मैडम जो है इनको जाना है, अभी लेट से जाना था तो आराम से बैठ के वो 2 घंटे उसने इधर उधर किया है, अब वो रेडी हो रही है और अभी भी आधे पौन घंटे इसको टाइम है जाने में क्योंकि इसकी जो बस है वो आएगी लेट से, और मतलब लेट से मतलब इसकी जो टाइम है उस टाइम पे आएगी बस।
अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं क्या करती हूँ कि सुबह के जो मतलब सैमू के टिफ़िन मैंने अभी तक रेडी नहीं किए हैं, तो वो टिफ़िन वगैरह रेडी करके उसको दे देती हूँ, और उसके बाद घर की साफ़ सफ़ाई कर ली जाए, क्योंकि सिन्हा जी लेकर के गए हैं अरुल को छोड़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जब तक बस निकलेगी नहीं स्कूल से तब तक सिन्हा जी आएंगे नहीं। तो आज मैं आलू पराठा बना रही हूँ, समृद्धि को टिफ़िन में भी दूंगी, और सिन्हा जी भी आज आलू पराठा दही वगैरह ही खाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आटे रेडी कर लेती हूँ, इसके लिए मैंने मैदा और आटा दोनों मिक्स कर लिया है, थोड़े से सॉल्ट डालूंगी और बस एक अच्छी सी मतलब इसकी जो डो है वो रेडी कर लूँगी। और पराठे आलू सैमू के पराठे तो मैं सेक कर उससे दे दूँगी, सिन्हा जी के पराठे तो बाद में जब सिन्हा जी खाएंगे तभी बनने वाली है उनके पराठे। और साथ में कुछ सब्जी वगैरह बनानी है, दोपहर का लंच भी बनाना है, बहुत सारा काम है किचन का, लेकिन अभी मैं पहले फ़िलहाल सैमू को टिफ़िन दे दूँ। और मैडम बैठी हुई है तो मैंने सोचा अच्छा मौका है, चलो उसको एप्पल वगैरह दे दी, तब तो वो थोड़ा सा एप्पल वगैरह खा लेगी। तो बच्चों को पता नहीं कुछ खाने के लिए दीजिए ना, तो उनको ना मतलब लगता है जैसे कि मतलब उससे उनकी सेहत नहीं मेरी ही सेहत बनने वाली है। कुछ भी बोलो सैमू को, आरुल तो बहुत अच्छे से खा लेता है एप्पल वगैरह, लेकिन सैमू जो है ना उसको बस टिफ़िन में डाल दूँ ना तो क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे एप्पल को है ना बाद में मतलब वो थोड़े से पीले पड़ जाते हैं, काले तो नहीं पड़ते, पीले पड़ जाते हैं, तो बच्चों को अजीब लगता है, नहीं खाना चाहेंगे, इसलिए मैं बोलती हूँ कि भाई खा के ही जाओ, फल खाना ज़रूरी है बच्चों को, तो सारे बच्चों को खाना ज़रूरी है, तो फल खा के ही चली जाओ। फल खा के चले जाने से क्या होगा कि फल खा लोगी कटेगा तो, और नहीं तो फिर वो पीले हो जाते हैं तो बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। आरुल तो खा लेता है, शैमू को बहुत प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से। अब देखूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आयु यहाँ स्कूल पहुँच चुका है, सिन्हा जी लेकर आ गए हैं इसको, और बस में जाने के लिए लाइन लगी हुई है, पेरेंट्स की भीड़ लगी हुई है, बस बच्चे जा रहे हैं, खूब उत्साहित है, सारे बच्चे बड़े खुश हैं सारे के सारे बच्चे एकदम। आयु भी जा रहा है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ आयु के चेहरे की स्माइल कितना खुश है जाने के लिए। और मतलब 12 14 से 15 घंटे बाद बच्चे घर वापस आएंगे, तो मतलब बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा, मेरा तो आज बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। और सिन्हा जी भी ऑफिस में, पता नहीं क्यों बच्चे जब ट्रिप पर जाते हैं, जाते तो बहुत ही अच्छे से, स्कूल वाले बहुत अच्छे से ले आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ी टेंशन बनी रहती है कि थोड़ा पता नहीं कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, ठीक से होगा कि नहीं, कुछ खाया होगा कि नहीं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है चेहरा इसका, बस में बैठ गया है और अब बस निकलने वाली है, बस निकलेगी तो सिन्हा जी घर पहुंचेंगे, और फिर शाम में जाकर के इसको कलेक्ट करना है। तो अब शाम में जो टाइम इसकी जो मिलेगी उस टाइम पे जाएंगे सिन्हा जी लेने के लिए। और ये रहा से आरुल बाय करते हुए निकल गया।
तो चलिए फ्रेंड्स, सैमू के तो मैंने टिफ़िन रेडी कर दिए हैं, बैग पैक कर दे रही हूँ, और अब इसके बाद मैं फटाफट अपने घर की मतलब सफाई कर लेती हूँ। मॉर्निंग की जो रूटीन होती है ना क्लीनिंग की, वो मैं शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि शिना जी को आने में टाइम है, तो तब तक मेरी क्लीनिंग का काम हो जाएगा। और मैडम बैठी हुई हैं, अगर शिना जी नहीं आ पाए इसके बस आने के टाइम पर, तो मैं इसको ले जा करके छोड़ दूंगी बस स्टॉप पे, और मतलब अगर आ गए शिना जी तो शिना जी चले जाएंगे। तो वही अभी चल रहा है, क्योंकि शिना जी को कुछ मार्केट मतलब मिल्क वगैरह लेते हुए घर आने वाले हैं, क्योंकि आयु की बस तो निकल चुकी है, लेकिन उनको कुछ काम मार्केट का है, वो करते हुए आने वाले हैं। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि अगर मैं नहीं आ पाया तो छोड़ देना। मैंने कहा कोई बात नहीं, तब तक मैं अपनी सफाई के काम शुरू कर दूँ फटाफट, क्योंकि सारे काम निपटाने हैं मुझे, और मुझे आज बहुत सारे वीडियो भी शूट करने हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि पहले फटाफट घर की साफ़ सफाई हो जाए, सिन्हा जी भी आने के बाद फिर वो भी ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, तो फिर मैं अपने बाकी के कामों में लग जाऊंगी। तो मेरा रोज़ का जो शेड्यूल होता है ना, वो मेरा फिक्स होता है मेरे माइंड में, कि आज मुझे क्या करना है, क्या क्या काम करना है, तो उस हिसाब से मैं चलती हूँ अपने। मतलब रात को ही मैं जब सोने जाती हूँ ना, तभी मेरे दिमाग में रहता है कि मतलब नेक्स्ट डे मैं क्या क्या करने वाली हूँ, कौन कौन से काम करूँगी। घर के बाकी काम, बच्चे, फैमिली को देखने के साथ साथ, घर के सारे काम को निपटाने के साथ साथ, मेरे बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं चैनल को लेकर के, तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि आज वीडियो शूट करना है, आज एडिट करना है, मतलब क्या करना है, कितने काम लेने हैं मुझे, कितने काम आज उठाने हैं, करने हैं, तो वो सारे मेरे माइंड में चलते रहते हैं। तो बस फटाफट घर के काम खत्म होने के बाद ही मैं बाकी के काम शुरू करूँगी। तो आजकल तो लगता है जैसे मैं मशीन की तरह काम किए जा रही हूँ, कंटिन्यू मॉर्निंग से लेकर के रात तक हो जाते हैं। तो वही है, अभी मैं पहाड़ में पानी वगैरह और ये सब, तो खैर प्लांट को पानी वानी देना, ये सब काम तो सुबह सुबह, और मौसम भी अभी ना बहुत ही अच्छा हो रखा है, लेकिन कभी कभी अचानक से मौसम अच्छे होते हुए भी गर्मी बढ़ जाती है, शायद से काम वाम करने के चक्कर में गर्मी हो जाती होगी। लेकिन मौसम अभी का बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा मौसम है, हल्की हल्की हवा भी है आज मॉर्निंग में, तो अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर सारे प्लांट को जो मैंने कल ही सब में फर्टिलाइजर डाला था, तो आज मैं अच्छे से सबको पानी से तर कर देती हूँ, और प्लांट के जितने भी पत्ते हैं ना, उनको भी अच्छे से वॉश कर देती हूँ पानी डाल करके, क्योंकि कभी भी कोई फर्टिलाइजर अगर आप डालते हैं ना, स्प्रे मारते हैं, करते हैं, तो कीड़े वगैरह मारने के लिए, तो या तो 4-5 घंटे के बाद ही आप उसको पानी से अच्छे से क्लीन कर दीजिए, धो दीजिए प्लांट को, या फिर मतलब कल हो करके मतलब आप कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो मेरा तो नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह मैं मॉर्निंग में ही देती हूँ सबको प्लांट, सबको फर्टिलाइजर, और कल हो करके फिर मॉर्निंग में ही मैं पानी से उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ पत्ते को। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी कोई कोई फर्टिलाइजर ऐसा होता है ना, कि जो ना पत्ते को में ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट छोड़ देता है, तो इस वजह से अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए। क्योंकि आप नर्सरी वगैरह में भी देखेंगे, जब प्लांट वगैरह जो लगे होते हैं ना, तो वो लोग फर्टिलाइजर देते हैं, फिर कभी पानी का स्प्रे कर देते हैं पूरे प्लांट पर, पानी को वॉश कर देते हैं सारे प्लांट को, तो काफ़ी केयर करना पड़ता है। तो नर्सरी वालों की तो बात अलग है। तो आ गए छोड़कर? हाँ, छोड़कर आ गए। बहुत खुश रहा होगा आरु। बहुत बहुत। लग गया। तो अब यहाँ सैमू निकल चुकी है अब स्कूल के लिए, सिन्हा जी आते आते इसको स्कूल छोड़ चुके हैं और छोड़ने चले गए हैं, और मैं बाकी के जो सफाई के काम बचे हुए थे उसको भी फटाफट करके ख़त्म करती हूँ। उसके बाद सिन्हा जी ऑफिस जाएंगे और मैं बाकी के बहुत सारे ढेर सारे कामों में लग जाऊंगी। तो आप लोगों से फिर डायरेक्टली मैं शाम में ही मिलूंगी, जब आयु आने वैसे वाला फ्रेंड, होगा। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और ये सारी कुछ फोटोज मुझे आयु के स्कूल से जो आए हैं, जो मिलेंगे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आयु देख आपको दिख रहा होगा, वाटर पार्क में बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और तो जो मुझे भी जो जो मतलब क्लिप मिली है ना, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आयु क्या क्या कर रहा है हमसे दूर होने के बाद भी, मतलब जो ट्रिप पर गया है, तो मैंने सोचा कि चलो उस ट्रिप में उसने क्या क्या किया है, जो भी फोटोज़ और वीडियोज़ आए, तो मैंने वो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये लीजिए, हो गई है शाम, शाम के अभी बज रहे हैं 7:15, मतलब 7 से ऊपर हो चुकी है, 7:30 के करीब, और बस आ चुकी है। और सिन्हा जी पहुंच गए हुए हैं स्कूल बच्चों को लेने के लिए, मतलब आयु को लेने के लिए। और ये जो बस अभी आई है, ये आयु की बस आई है, इसमें आयु है, तो बस अब आयु आएगा और उतर।
पापलेट स्कैन करना था। हाँ। फिर आगे हम लोग जा पा रहे थे। अच्छा आरुल का हो गया ट्रिप, कैसा रहा ट्रिप? ड्रीम बॉय से भी मिला। हाँ? ड्रीम बॉय से। ड्रीम बॉय से मिला मतलब वो एक पीछे मार रहे थे। जैसे एक लड़का था मैं वो अंकल थे वो बॉय सूट पहने हुए थे और जिनको तो पीछे से ठोक रहे थे। फोटो आया हुआ है। अरे यार कैसे गिर गया। अब स्विमिंग पूल में गया।